हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स अंजूस ऑनलाइन शॉपिंग में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है अंजू। फ्रेंड्स का जो वीडियो है वो घर का वास्तु उसी रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ क्या है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये है वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है कपूर दिया। अगर घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई भी मतलब जो कभी कभी घर में अचानक आने से फील होता है कि हाँ घर में कुछ खुशी नहीं है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है, घर में अच्छा नहीं लगता है, मन उदास होने लगता है, चिड़चिड़ होने लगता है, फ्रेंड्स ये वास्तु का एक ऐसे दिया है जो मैं इसको कम से कम 3 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ, शायद अगर मेरे ये वीडियो से हो जाए इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने ये ऑफलाइन मंगाया है, इस ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन मैंने ऑफलाइन चेक किया तो हमारे यहाँ पे जो शॉप था उसमें मुझे ये मिल गया। ये फ्रेंड्स आपको अगर ये खरीदना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप अगर सोच रहे वीडियो देखने के बाद इसकी इसे खरीदने के लिए, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये दिया देखिए ऐसे 4 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट ये है, ये पार्ट में आपको एक दिया बना है उसके अंदर बाती लगाने के लिए मिला है। सेकंड पार्ट ये है, ये देख सकते हैं, ये आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है, देखिए। थर्ड पार्ट फ्रेंड्स इसका है, जो मेन पार्ट है ये देख सकते हैं, ये कटोरी टाइप में है, आप देख सकते हैं ये कटोरी के टाइप में है। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन में मतलब अगर समझो आपके घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, जब आप दिया जलाएंगे तो आप जब दिया बुझ जाएगा उसके बाद आप अगर आप देखेंगे, अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है किसी भी रिलेटेड, तो यहाँ पे पूरा काला बन जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के डिजाइन बन जाएंगे, कभी कुछ बनेगा, कुछ बोल नहीं सकते क्या बनेगा, जो काली काली छाया होती है पूरी इसमें आ जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो इसमें बिल्कुल काला नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 80% आपको इसमें वाटर डालना है और आपको कम से कम इसमें 5-6 कपूर की कपूर डालना है, जो टिकिया आती है कपूर की 5-6 या 7 आपको जैसा लगे, मिनिमम आपको 80% वाटर डाल के आपको फ्रेंड्स उसके बाद फिर आपको ये इसके ऊपर ऐसे रखना है और उसके बाद आपको इसका लीड मिलता है, देख सकते हैं ये इस तरह का लीड है, फिर आपको इसको ऐसे रखना है, जब आप इसको दिए को जलाएंगे इससे कनेक्ट हो जाएगा, जो आप इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर में डालेंगे कपूर का भाप बन के जब पूरे घर में महकेगा तो एकदम उसका अलग फ्रेग्रेंस आता है, पूरा घर महक उठता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर होती है उतनी सब खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से खत्म हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जब ये दिया आप, तो आपको तब तक जलाना है जब तक आपके घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर की पूरी एनर्जी खत्म हुई कि नहीं, तो फ्रेंड्स जिस दिन आपके ये दिए में काला लगना बंद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक ऊर्जा, वो सब खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स ये किसी भी रिलेटेड हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के लेके, घर में किसी चीज का मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, और हर चीज के लिए घर में जहां पे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी, अगर आपके घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो ये पूरा काला हो जाएगा। मैं आपको वीडियो में जरूर इसका पिक्चर और छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर ऐड कर दूंगी, जिससे आप समझ पाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको वो शो में करने के बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही थी। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर उनके घर में भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी अपने ये दिए से अपने घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है पूरा खत्म कर सकते हैं। अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सही में मैंने इसको फील किया है, 3 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ, इसको फील किया उसके बाद मैं आपको ये
मैंने सही में सोचा कि हाँ सही में अगर घर में किसी के भी प्रॉब्लम हो तो क्यों ना मैं किसी के साथ इसको शेयर करूँ, तो जिस उस मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है। अगर ये आपको खरीदना है तो मैं इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर समझिए आपने अगर ये दिया जला के रखा है और अगर आप चेक करेंगे अगर घर में दिया जल रहा है, अगर इसमें कुछ भी नेगेटिव अगर नहीं होगा तो इसमें कुछ भी नहीं शो होगा। अगर समझिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है और अचानक से इसमें कालापन पकड़ लेता है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो आपके घर में गेस्ट आए हैं उनके दिल में आपके लिए ज़रूर नेगेटिव रहेंगे, तो इसमें वो कालापन शो होगा। क्योंकि मैंने इसको फील किया है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैंने जब दिया लगाया था तो मैं इसको नोटिस करती रहती हूँ, हर 15-20 मिनट में, हर आधे घंटे में इसको नोटिस करती रहती हूँ। एक दिन मैं अचानक से दिया लगाया, मैं आज जैसे ही चेक करके बैठी तब यहाँ इसमें कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरे घर में गेस्ट आए तो मेरा ध्यान नहीं गया दिया की तरफ। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जब गेस्ट चले गए तो फिर अचानक से जब मैंने दिए की तरफ जाके देखा तो यहाँ पे पूरा काला हो चुका था। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मुझे जब मैंने नोटिस किया कि ये काला पड़ने लगा, तब मुझे समझ में आया कि उनके दिल में अगर अपने घर के लिए कुछ भी नेगेटिव ख्याल रहेंगे तो ये ज़रूर काला पकड़ेगा। अगर घर में अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, अगर ये दिया जल रहा हो, अगर उनके घर दिल में आपके लिए कोई भी बुरा ख्याल होगा तो इसमें काला पड़ने लगेगा। आप एनर्जी होगी तो इसमें काला शो करना चालू हो जाएगा। या काला होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए नेगेटिव एनर्जी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।